So let us discuss about the vector product or cross product. Vector product, or it is also called cross product. ठीक, तो वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में, पहले इसके नाम से मैं आपको बता दूं ये नाम क्या रिलेट करता है. मैंने आपको बताया कि जब ए डॉट बी हो तो हमें ए डॉट बी का एक स्केलर रिजल्ट मिलता है. इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है. यहाँ पर क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट में या क्रॉस प्रोडक्ट में, एक्चुअली में अब हम लिखेंगे ए क्रॉस बी और इसकी वैल्यू, या इसको हम स्केल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड कितना है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है. जैसे यहाँ पर था ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा. और ये जब भी आप ए क्रॉस बी करोगे तो आपको एक यूनिट, आपको जो भी रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो मैं यहाँ पर ये एन कैप लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि ए क्रॉस बी को ये दिखा सके कि वो उसकी कुछ डायरेक्शन भी है. ओके, सो ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, एन कैप. यहां तक कोई डाउट किसी को? अब क्योंकि बीच में आप देखो यहां पर क्या आ रहा है, क्रॉस. ठीक है, तो जब भी बीच में क्रॉस आ रहा है समझ जाना वहां पर क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा. जब आप खोलोगे उसको, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आप कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, साइन. और मैंने आपको बताया था जब आप डॉट मल्टीप्लीकेशन करते हो तो बीच में, मतलब जब एक्सपेंड करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस. तो अगर आप भूल भी रहे हो तो ये इस तरह से लिख लेना, आपको याद आ जाएगा. क्रॉस में साइन थीटा, डॉट में कॉस थीटा. ओके, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आएगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप. सो अब देखो, क्योंकि हमें रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप. एन कैप एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए क्रॉस बी का जो भी रिजल्टेंट आएगा. सो इट विल रिप्रेजेंट अ वेक्टर प्रोडक्ट. तो रिजल्ट क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर आ रहा है तो इसलिए इसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट. और क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, वो तो बीच में क्रॉस साइन आ ही रहा है. इज दैट क्लियर टिल हियर, एनी डाउट? सर क्लियर है. आप ये इस तरह से डिजाइन लिख लेना जो मैंने क्रॉस साइन थीटा क्या डॉट कॉस थीटा, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि डॉट किस में आएगा, कॉस किस में आएगा और साइन थीटा किस में आएगा. तो डॉट वाले में कॉस थीटा और क्रॉस वाले में साइन थीटा आएगा. ए क्रॉस बी, ए बी मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एंड कैप. सो दिस वाज अबाउट कि आपको एक्सपेंड कैसे करना है. अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कोई भी दो वेक्टर अगर आपको दिया हुआ हो तो उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है. अभी तो सिर्फ मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ए क्रॉस बी साइन थीटा. ओके, अच्छा, ए डॉट बी का मतलब क्या होता था कि किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर में प्रोजेक्शन. ओके, जब मैं ए डॉट बी लिख रहा हूं तो वहां पर होता था कि किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन किसी दूसरे के डायरेक्शन में कितना है, तो उसका मतलब था वहां पर प्रोजेक्शन. अब ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं तो इसका भी तो कुछ सेंस होगा, इसका भी तो कुछ फिजिकल मीनिंग होगा. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर. ओके, सो लेट्स डू दैट. यहां तक ये फॉर्मूला आपने एक्सपेंड कर लिया, लिख लिया है? हां सर. यस सर. ओके, यस सर. सो सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं, दिस इज लेट्स से वेक्टर ए एंड लेट्स आई एम टेकिंग अनदर वेक्टर बी वेक्टर. ठीक है, तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है. अब हमें क्या करना है, इसको मैं मान लीजिए एक्स और वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं, एक्स में और वाई में. अब हमें करना है ए क्रॉस बी साइन थीटा जो कि बराबर है ए बी साइन थीटा के. अच्छा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं किसी एंगल पर इंक्लाइन करवा देता हूँ. लेट्स से दिस इज बी. अब बी का दो कंपोनेंट आप मुझे बता दो कौन कौन से होंगे. बी के दो कंपोनेंट होंगे, मान लीजिए थीटा एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या क्या होंगे मुझे बता दीजिए. हाँ बेटा, कितना, एक तो आ जाएगा, नहीं नहीं एक तो कंपोनेंट मतलब उसका एक्स डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है और वाई डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है. बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा.
यस शाश्वत, वेरी गुड। तो बेटा जिसके साथ मैं बताया था लास्ट क्लास में, जिसके साथ एंगल बन रहा हो वो आ जाएगा cos theta, यानी कि इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा b का वो आ जाएगा cos theta, और जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा यानी कि b का ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, b sin theta, b sin theta, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, b sin theta क्या है, b sin theta उसका b वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर है। अब अगर मैं इसको एक पूरा रेक्टेंगल बना लूं, यहां पर ये रेक्टेंगल और सपोज ये एक रेक्टेंगल है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके लेट्स से हमने कंप्लीट रेक्टेंगल यहां पर बना लिया है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है, तो आप एरिया क्या करते हो, एरिया के लिए एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो। अगर मान लीजिए आपके पास एक ये पैरेलल रेक्टेंगल है सपोज कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और ये वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है बी साइन थीटा को। तो आप मुझे बताइए इसका एरिया कितना आएगा, इस जो भी ये रेक्टेंगल बनाया है, क्या मैं कह सकता हूँ ए बी साइन थीटा होगा? बिल्कुल। इसका मतलब कि जो जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि आप उन दोनों वेक्टर के बीच का एरिया निकाल रहे हो। सो दिस इज ए क्रॉस बी विल आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हेन सम वेक्टर्स आर गिवन टू यू। यानी कि मान लीजिए आपको कोई एक वेक्टर दे रखा है, ठीक है, लेट्स से ये ए है और ये बी है, तो अगर आप इसका पैरेललोग्राम बना रहे हो तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब मैं इस पॉइंट को लिखवा देता हूँ लाइन में, एक पॉइंट में आपको आपके लिए बनाऊंगा, उसको आपको लिखना है। या सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, एक्चुअली सिर्फ मैं एन कैप नहीं ले रहा हूं, सिर्फ जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट एरिया बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इज दैट क्लियर? जो भी दोनों वेक्टर के बीच का एरिया होगा इट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें लेना पड़ेगा। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली में जब आप एरिया वेक्टर बोलोगे, हम ये क्लास 12th में अच्छे से टॉपिक पढ़ेंगे एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमें निकालने के लिए यही काम करना होता है ए क्रॉस बी। अब वहां पर एरिया वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एरिया तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब भी आप ए क्रॉस बी करोगे तो एक डायरेक्शन भी तो आएगी। तो एक्चुअली में ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर आती है जिस प्लेन में ए और बी रहे हो। एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, आप पहले ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर क्यों आएगी ए और बी के। देखो बेटा, सपोज करो मेरे पास ये दो वेक्टर है ए और बी, ठीक है, आई होप इट इज विजिबल टू यू, ए और बी, ये दो वेक्टर है ए और एक बी। अब जब मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से लेट्स से उनके बीच का एंगल कुछ थीटा है, तो अगर ये दो वेक्टर आपको ए और बी दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आप इनका ए क्रॉस बी कर रहे होंगे, जब आप इनको ए क्रॉस बी करोगे, इनका मतलब ए और बी का ए क्रॉस बी करोगे, तो आपको मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा इनके बीच का पूरा ये एरिया, ये जो पूरा रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बनेगा उनके बीच का एरिया, ठीक है, और जो डायरेक्शन आएगी इस एरिया वेक्टर की वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी बाहर की तरफ। मतलब अगर आप उस तरफ से देख रहे हो तो आपकी तरफ बाहर की तरफ होगी, मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो मेरी तरफ बाहर की तरफ होगी, लेकिन होगी परपेंडिकुलर दोनों के ही, ए क्रॉस बी के, ए के भी परपेंडिकुलर होगी, बी के भी परपेंडिकुलर होगी, मतलब ए इधर है बी इधर है, तो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसमें होगा इसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या होगी जिस भी प्लेन में, देखो अगर मान लो ये प्लेन हो गया, ए इधर है
बी इधर है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ आ जाएगी, मतलब उसी के परपेंडिकुलर आएगी हमेशा। ए इधर है, बी इधर है, तो इस तरफ आ जाएगी। तो मतलब ए क्रॉस बी का जो भी रिजल्टेंट डायरेक्शन है, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, मतलब जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर रहे होंगे उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई होप कि ये बोर्ड आपको विजिबल है जो मेरे साइड में है, ये बोर्ड विजिबल है, इज इट विजिबल? सर एक बात पूछनी थी। यस हाँ बोलो सर। हम दो वेक्टर्स किसी थीटा एंगल पे एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड है, तो ये तो शायद ट्रायंगल बना रहा है ना, रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं? देखो हाँ बता रहा हूँ, अगर ये पूरा आप ले रहे हो बी साइन थीटा, मैंने लिया सिर्फ बी नहीं लिया बेटा, बी साइन थीटा तो इधर आ गया ना सर, तो हम सर परपेंडिकुलर, अगर मुझे ट्रायंगल निकालना है, हाँ अगर मुझे ट्रायंगल निकालना है ना, ट्रायंगल का एरिया, तो वो पैरेललोग्राम करेंगे यही, लेकिन इसका हाफ हो जाएगा अब ट्रायंगल के लिए। अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हो तो पूरा ए क्रॉस बी आएगा, ट्रायंगल का सिर्फ अगर तुम्हें इतना पोर्शन देखना है तो पूरे का हाफ कर दो, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हम आगे यूज भी करेंगे, आप इसको लिख लीजिए, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल ए क्रॉस बी अगर मैग्नीट्यूड दिया हो तो। सो माय पॉइंट वाइज, सपोज दिस इज अ प्लेन एक्स वाई प्लेन, इधर और इधर, ठीक है, तो इसमें जो भी दो कोई भी दो वेक्टर लाई कर रहे होंगे हमेशा जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके परपेंडिकुलर ही आएगा। या मान लो आपकी स्क्रीन पर मैं कोई भी दो वेक्टर रेंडमली बना रहा हूं, ठीक है, तो उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लोगे तो हमेशा उनका जो नॉर्मल जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगी वो स्क्रीन के आउट ऑफ स्क्रीन होगा, इनटू द स्क्रीन होगा, होगा परपेंडिकुलर। जिस भी वेक्टर में, जिस भी प्लेन में पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर ए और बी दोनों लाई कर रहे होंगे, हमेशा रिजल्टेंट उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूं, द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ठीक है, इतनी चीजें लिखिए आप, फिर आगे चलते हैं। तो ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अच्छा आप सोच के बताओ, अगर दोनों वेक्टर मैं एक ही डायरेक्शन में ले लूं, अगर दोनों वेक्टर को मैं एक ही डायरेक्शन में ले लूं, क्या ये कोई एरिया कंटेन कर पा रहे हैं? कुछ एरिया होगा इनके बीच? नो सर, नहीं होगा ना। अब मैं इनको एंटी पैरेलल ले लूं तब एरिया बनाएंगे क्या? मान लो एक इधर है और एक इधर है, तब कोई एंगल होगा? नो सर, नहीं होगा ना। चाहे मैं सेम डायरेक्शन में ले लूं इसको या अपोजिट डायरेक्शन में ले लूं, कोई भी एरिया नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एरिया तब बनाते जब इनके बीच में कुछ कुछ फाइनाइट इस तरह से एंगल होता, तब ये एरिया आ भी जाता है। लेकिन ये तो एक लाइन हो गई ना, स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या, एंगल जब भी जीरो डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन जीरो डिग्री या 180 डिग्री? जीरो, जीरो होती है ना। जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी, मैं इस पॉइंट को भी लिखवाऊंगा, जब भी पैरेलल वेक्टर हो, ठीक है, जब भी पैरेलल वेक्टर हो या एंटी पैरेलल वेक्टर हो, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा हमेशा? जीरो। हाँ बिल्कुल, यस, इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो। इस पॉइंट को अब मैं लिखवाऊंगा, पहले ये थोड़ा सा हाँ बेटा सर, ये चीज समझ नहीं आई सर। बात नहीं, मैं समझाऊंगा, वो जस्ट एक बिगनिंग थी, अभी मैं लिखवाता हूँ इसको। सर सर एक और चीज, सर एक और चीज बोलिए। सर आपने बताया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे ए और बी लाई कर रहे हैं, है ना सर? तो ए और बी जहाँ लाई कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर कैसे हो रहा है? परपेंडिकुलर हमेशा आएगा, वो मैं अभी आगे एक फोटो से और करके भी दिखाऊंगा किस तरह से आता है। ए क्रॉस बी हमेशा ए बी साइन थीटा एन कैप क्यू आएगा, दैट वी विल डू। ओके सर, ओके सर। और सर एक चीज पूछनी थी, मैंने थोड़ी सी शुरू की क्लास मिस की थी सर, इसमें जो वेक्टर में जो एन है
ये सिर्फ एक डायरेक्शन ये बता रहा है, तीनों 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 डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है या फिर एक ही जो भी डायरेक्शन रिजल्टेंट आएगा को? उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी उसको, हो सकता और है वो सर ये एन रिजल्टेंट ही रहेगा हमेशा? नहीं, अभी वो आई कैप जे कैप के कैप कुछ भी हो जाएगा, अभी तो इन जनरल मैंने लिया इसको। अच्छा ओके सर, ओके सर, ओके सर। ओके तो यहाँ तक चीजें लिख लिए, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? ओके आई एम रेजिंग इट नाउ। सर एक सेकेंड सर, ऊपर का थोड़ा सा नहीं लिखा। देखिए हो गया, यस सर। ओके अब इस पिक्चर को आराम से ऑब्जर्व करो, देखो यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या आप अभी तक जो हमने सीखा है क्या उस चीज कहीं रिफ्लेक्ट हो रही है? वो एक वेक्टर इधर है ए, दूसरा वेक्टर इधर है बी, और देखो जो रिजल्टेंट आ रहा है एरिया तो यही आ गया, ये जो इनके बीच का एरिया हो गया ये तो ए क्रॉस बी का हो गया मैग्नीट्यूड, ये एरिया रिप्रेजेंट कर देगा इस पैरेललोग्राम का, ठीक है? और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ आ रही है? इनके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर होंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी एक्चुअली, ठीक है? आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल सीखा है 10th क्लास में, एक्चुअली वो yes, इसी पर बेस्ड होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हमें दो चीज की डायरेक्शन पता होती है, थर्ड की हम कहते हैं कि वो उसके परपेंडिकुलर होगी हमेशा, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही यूज होता है और वो हम करेंगे भी क्लास 12th में। दैट लॉ इज बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एक पिक्चर आप बना लीजिए जिससे आपको पता चल रहा है कि एक वेक्टर ए और वेक्टर बी, यानी कि जो ग्रीन है और जो ब्लू है उसका रिजल्टेंट कहाँ आ रहा है? रेड की तरफ, उन दोनों के परपेंडिकुलर अक्रॉस बी। जब भी डॉट मल्टीप्लाई करोगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। एग्जांपल के तौर पर, हालांकि वो अभी तक हमने कोई पढ़ा नहीं है पहले, लेकिन टॉर्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, टॉर्क रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हाँ सर। तो जब हम टॉर्क निकालते हैं ना तब हम आर वेक्टर की पोजिशन वेक्टर की फोर्स वेक्टर में क्रॉस मल्टीप्लाई ही करते हैं और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये अभी के लिए जस्ट मैं एग्जांपल, इसको डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर होता है बेटा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। क्या वर्क डन का भी यही होता है ना? नहीं नहीं, वर्क डन का बेटा, वर्क डन होता है एफ डॉट एस। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस नाउ। व्हाई? देखो वहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट, ये है पोजीशन वेक्टर, ठीक है? दोनों में फर्क है। और यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर डॉट मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो दोनों अलग चीजें हैं। बाकी टॉर्क का फिजिकल मीनिंग हम समझेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में। सो हैव यू ड्रॉन दिस डायग्राम? ठीक है, यस सर। एक और डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो इस डायग्राम में भी वही चीज है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है ए और बी, तो इसका एरिया कैसा आ गया? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी यानी कि एरिया वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड बाहर की तरफ, जैसे ये सरफेस है तो उसे इस तरह से नॉर्मल बनाते हुए बाहर की तरफ होगा। क्लास 12 चैप्टर 1 में ये कंसेप्ट हमें यूज करना है बहुत ज्यादा, एरिया वेक्टर का। ओके सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि एप्लीकेशन भी बहुत है इनकी फिजिक्स में। तो ए क्रॉस बी हमेशा क्या देगा? एरिया, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। यहाँ पर देख लो, मान लो जब मैं बेटा ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, तो आप कोशिश करो अपनी सभी फिंगर्स को, वैसे मैं आगे सिखाऊंगा रूल, सभी फिंगर्स को ए की तरफ ले जाओ राइट हैंड की और बी की तरफ घुमा दो, तो आपका थंब जहां आएगा ना वो डायरेक्शन बताएगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर की। दोबारा बताता हूँ, जैसे मेरा एक वेक्टर इधर है, ठीक है, या मैं लो वही ए और बी के हिसाब से मैं बता देता हूँ। मान लो मेरे पास ये दो वेक्टर ऐसे दिख रहे होंगे आपको, है ना, अपनी सभी फिंगर को ले जाओ पहले वेक्टर की जिसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ए, तो सबको ए की तरफ ले जाओ, ठीक है, फिर उसको बी की तरफ घुमा दो, दूसरे वेक्टर की तरफ घुमा दो, तो जहां आपका थंब आएगा, जहां आपका थंब आएगा
वो बताएगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? कोर्कस्क्रू रूल भी यही होता है एक्चुअली. कोर्कस्क्रू रूल पढ़ा है क्या पहले आपने? कोर्कस्क्रू रूल, यस सर. उसमें भी यही होता है, उसमें भी यही होता है कि जिस डायरेक्शन में आप रोटेट कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वो अंदर या बाहर की तरफ आता है. यहाँ पर भी ऐसा ही है, अपनी सभी फिंगर को ए की तरफ ले जाओ, बी की तरफ घुमा दो, थंब बताएगा रिजल्टेंट की डायरेक्शन. जैसे इसी फिगर में देखो सर, ये राइट हैंड थंब रूल है. राइट हैंड बेटा, यस राइट हैंड रूल. ठीक है, तो इसको हम डायरेक्शन भी यूज कर सकते हैं इसका यूज करके. वैसे मैं और भी चीजें भी ये बताऊंगा आपको डायरेक्शन निकालने के लिए. अच्छा, जब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो कितना आया? ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ. लेकिन जब मैं बी क्रॉस ए करूंगा ना, मतलब बी को ए की तरफ, तो देखो मेरे थंब अब नीचे की तरफ आ रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अपोजिट होंगे. मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के. ये चीज समझ में आई? ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, ये पॉइंट लिख लो. ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के. इसका मतलब क्या हुआ? ये एंटी कॉम्यूटेटिव है. हम डॉट मल्टीप्लीकेशन में तो लिख पा रहे थे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिख पाएंगे. यहाँ पर आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. तो ये ऑप्शन, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको तीन चार मार्क कर लेना, एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछी जाएंगी. सो ए क्रॉस बी को नहीं लिख सकते किसके बराबर? बी क्रॉस ए के. ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव, क्योंकि एक डायरेक्शन का फर्क आ जाता है. मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा बट डायरेक्शन, डायरेक्शन बेटा उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, कह लो जस्ट अपोजिट हो जाएगी. ओके, सो बी क्रॉस ए बराबर हो जाएगा माइनस ए क्रॉस बी के. ये चीज मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से हो रहा है. जब मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो थंब ऊपर जा रहा है, लेकिन जब मैं बी क्रॉस ए कर रहा था तो थंब नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाती है. किसान क्लियर है बेटा? यहाँ तक जितनी चीजें अभी तक कर रही है, कोई भी डाउट? मेलविन, तनिष्का, शाश्वत, एवरीवन? नो सर, क्लियर है. ओके, क्लियर है. तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं फिर. अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और जो भी डायरेक्शन आएगी वो हम देख लेंगे. बट अगर दो वैक्टर, इफ टू वैक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, इसका मतलब एक वेक्टर इस तरफ है दूसरा वेक्टर भी इस तरफ है, तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया? जीरो डिग्री. अगर एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, एंटी पैरेलल हो गए, तो एंगल 180 डिग्री हो गया. तो दोनों, अगर आप यहाँ पर ए क्रॉस बी कर रहे हो पैरेलल वेक्टर के लिए, ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो कितना आएगा? साइन जीरो. ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, भले कुछ भी हो, साइन जीरो तो सबको जीरो बना देगा ना. तो बेटा ए क्रॉस बी आएगा जीरो. तो जब भी आपको लग रहा है कि ए क्रॉस बी जीरो आ रहा है, समझ जाना कि वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है. यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? ए क्रॉस बी जीरो. ठीक है, अब थोड़ा सा रिविजन करते हैं. जब मैं आपको कहता हूं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका ए डॉट बी क्या आएगा? जीरो आएगा. जीरो आएगा, बिल्कुल सही. ठीक है, लेकिन अगर दो वेक्टर बेटा पैरेलल हैं, पैरेलल, तो उनका ए क्रॉस बी क्या आएगा? वो जीरो आएगा. तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसलिए इन दोनों चीजों को एक साथ लिख लेना. वहां पर हम परपेंडिकुलर देखते थे जीरो करने के लिए, ए डॉट बी जीरो आता था क्योंकि वहां पर कोस 90 जीरो होता था. यहाँ पर पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी जीरो होगा, क्योंकि जीरो डिग्री या 180 डिग्री साइन में जीरो हो जाता है. तो जब भी, तो आप वैसे भी समझ सकते थे एरिया से भी, एरिया तो बनेगा ही नहीं. अब एरिया नहीं बन रहा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जीरो हो जाएगा. तो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमेशा जीरो आएगा.
हो गया। तो अगर मुझे कभी वेक्टर दिया हो और मुझे बोला कि फाइंड द एरिया इन बिटवीन देम, सो आई विल टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द वेक्टर। और यदि मुझे बोला जा रहा है कि किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालो, तो प्रोजेक्शन मतलब वहां पर मुझे डॉट मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। मैं ए डॉट बी को जीरो लिख सकता हूँ अगर वो परपेंडिकुलर है। मैं ए क्रॉस बी को जीरो रख सकता हूँ अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल है। रिटर्न यहाँ तक हो गया? ठीक है। अभी जितने भी हम सीख रहे हैं ना चीजें, उन सब पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जहां पर ये कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा। तो चीजों को लिखने के बजाय जब आप लिख रहे हो, समझ समझ के लिखना कि ऐसा हुआ क्यों है, क्या इसके पीछे रीजन है। रीजन अब वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर फिर भी आप भूल गए हो या दोबारा पूछना चाहते हो, मैं आस्क। तो अभी तक जितनी भी हमने चीजें करी हैं सिर्फ लॉजिकल बेस्ड करी है, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सो ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए आ गया, ठीक है। अब देखो, ये मैं आपको डायरेक्शन के बारे में बता रहा था ना, अगर आपका एक वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरफ है, तो थंब बता देगा आपको थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सभी फिंगर को ए की तरफ घुमा करके बी की तरफ मोड़ो, थंब बता देगा ए क्रॉस बी। इसको राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, राइट हैंड रूल कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका ए क्रॉस बी करना है। तो आप देखो कितना आया, माइनस 43 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस के कैप। अब ये आ कैसे रहा है वो हमें सीखना है, तो दैट आई विल शेयर नाउ। पहले ये देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? सेकंड? हाँ सर। नॉट कॉम्यूटेटिव मतलब वही, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होगा। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी सीखते हैं। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी सीखना क्या, आप ये बताओ, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूँ तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। अभी सेम डायरेक्शन में तो इसका आएगा कितना आंसर? जीरो। इज दैट क्लियर? आई क्रॉस आई कितना आएगा? जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस के, जे जो जे और जे, ये भी तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इनका भी जीरो आ जाएगा। के क्रॉस के, दोनों सेम एक्सिस में ही है, इनका भी जीरो आ जाएगा। तो आई होप कि अब ये प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर हुई होगी। थर्ड? यस सर। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, आपको आई क्रॉस जे करना है, मतलब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करना है, कितना आएगा वो देखते हैं। अच्छा, दो वेक्टर का डॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम अगर हमें लाना है तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? कैसे? अगर दो वेक्टर, मान लीजिए आपके पास कोई भी दो वेक्टर है और आप चाहते हो कि उनका मैक्सिमम वैल्यू आए ए क्रॉस बी की, तो उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? देखो मैक्सिमम, अगर आप ए और बी, आपके पास दो वेक्टर है तो फोर, यस यू आर करेक्ट, थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो आपको क्या मिलेगा? ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए इंटू में बी जस्ट, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कब? जब एंगल आपका 90 डिग्री होगा। यानी कि इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट विल बी द मैक्सिमम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू वन हो जाएगी। ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, तो ये मैक्सिमम आएगा, वरना अगर कोई भी और भी एंगल होगा ना तो इससे कम ही वैल्यू आपको मिलने वाली है फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। ये एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल है जहां पर एक्चुअली में दो वैक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर अलाइंड है, तो आप देखो उस टाइम पे ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब आई क्रॉस
जी समझते, मैंने आपको बताया जो भी सेम वेक्टर है, अगर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना चाहते हो सेम वेक्टर का जो सेम डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा कैसे आएगा, जीरो। अच्छा मैं ये कैप नहीं लगा रहा हूँ, तो अंडरस्टूडेबल है दैट दे रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर। अब मुझे करना है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ठीक है बेटा। तो पहले एक काम करते हैं, एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ मतलब आउटसाइड। जस्ट मैं देखो इसको ऐसे बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि जेड एक्सिस बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है ना। अब आई क्रॉस जे करना है आपको, आई क्रॉस जे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आई का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन, उनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और डायरेक्शन, डायरेक्शन मैं भी बताऊंगा। अच्छा आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 90 भी 1 हो गया, तो आ गया 1 इनटू में। अब आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर है वही डायरेक्शन आएगी, तो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर दिख रहा है आपको, के कैप, जेड एक्सिस, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा इसका, जे के कैप, तो आई क्रॉस जे कितना आएगा, के कैप। कोई डाउट, आप इस तरह से भी कर सकते हो, अपनी सभी फिंगर को आई की तरफ ले जाओ, मतलब एक्स एक्सिस में ले जाओ और उसको मोड़ दो वाई एक्सिस में, यानी कि ऊपर की तरफ वाई एक्सिस है, तो थंब कहाँ आ रहा है मेरा, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है इस तरफ मेरी तरफ, तो वो के कैप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये चीज क्लियर है, आई क्रॉस जे के कैसा आया, यस जब आई डायरेक्शन तो समझ में आ गया सर। हाँ बेटा सर, मतलब इसमें जो आई क्रॉस जे है इसमें सर, एक बार फिर से समझा दीजिए सर थोड़ा सा। देखो हमारे पास ए क्रॉस बी था, जब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस सॉरी साइन थीटा, ठीक है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, उनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये तीनों फैक्टर तो वन हो गए और डायरेक्शन आ जाएगी उसके परपेंडिकुलर, यानी कि के कैप, तो आई क्रॉस जे के कैप होता है, ठीक है। अब अगर मैं मान लीजिए आई क्रॉस जे मैंने कर लिया, जे क्रॉस के करूंगा अगर, तो जे क्रॉस के अगेन जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड 1, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी आएगी J क्रॉस K करने पर, I कैप, तो यहाँ पर J क्रॉस K कितना आ गया, I कैप, ठीक है, ओके। मैंने आपको बताया था एक चीज क्या, अच्छा एक चीज और पहले बता देता हूँ मैं आपको, J क्रॉस K हमने कर लिया, K क्रॉस I करोगे तो क्या आएगा, J कैप, बस अब डायरेक्टली समझ लो कि परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका, है ना, I क्रॉस J K आ रहा है, J क्रॉस K I आ रहा है, K क्रॉस J, K क्रॉस आई, जे कैप आ जाएगा। एक और बात मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी और अगर यहाँ पर बी क्रॉस ए है तो बीच में कैसा साइन आएगा, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन, ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होती है, तो बेटा अगर मैं ये ऑर्डर को रिवर्स कर दूं, क्या मैं लिख सकता हूँ जे क्रॉस आई इक्वल टू कितना आएगा, मैंने रिवर्स कर दिया ऑर्डर, अभी आई क्रॉस जे था, अब मैं जे क्रॉस आई कर रहा हूं, तो माइनस के कैप, बहुत बढ़िया, माइनस के कैप, इसी तरह से यहाँ पर कितना आ जाएगा, के क्रॉस जे माइनस आई कैप,